हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव किशोरीलाल अपने विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करके वापस पहुंचे। इस दौरान किशोरीलाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आपदा के दौरान दिन रात काम करने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री की खुलकर तारीफ की। इसी के साथ उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष सत्ता से बाहर है, ऐसे में इस तरह का रवैया अपना रहा है और सरकार विपक्ष को विधानसभा में जवाब देगी। CPS किशोरीलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रदेश घोषित करने और प्रदेश को मदद देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से कई बार बात की, लेकिन अभी तक केंद्र की ओर से कोई मदद नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जबकि लोग अपने स्तर पर खुलकर मदद कर रहे हैं। इस त्रासदी के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से कई बार मुलाकात की है और हिमाचल प्रदेश को आपदा राज्य घोषित करने की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये जो कुछ भी आज सहायता प्रदान की जा रही है, इसमें लोगों की भागीदारी और जहां दूसरे प्रदेशों की सरकारें हैं उनकी भागीदारी भी इसमें रही है। राजस्थान सरकार से हमें पैसे मिले हैं 11 करोड़ रुपए के करीब है, कर्नाटक से पैसे मिले हैं और हरियाणा से पैसे मिले हैं, झारखंड से पैसे मिले हैं, दूसरे जो प्रदेश हैं हमारे वहाँ से पैसे हमें मिले हैं और यहाँ की प्रदेश की जो प्रबुद्ध जनता है, देवतुल्य जनता, उन्होंने भी अपना आशीर्वाद जो है वो लोगों की राहत के लिए दिए हैं। मेरे क्षेत्र से 18-20 लाख रुपया जो इकट्ठा हुआ है वो आपदा राहत कोष में उसको भी दिया गया है। इसी तरह और भी पैसे आएंगे, वो उन गरीबों की मदद के लिए होंगे जिनके आसियाने उजड़े हैं। सरकार हर संभव मदद कर रही है और एक साल के अंदर हिमाचल पुनः जैसे पहले था वैसे खड़ा हो जाएगा। एक साल के अंदर सबके घर बनाए जाएंगे, सबका पुनर्वास किया जाएगा। सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है और जमीन भी लोगों को दी जा रही है। ये सारी बातें विधानसभा में सामने आ जाएंगी, कितना पैसा केंद्र से मिला छुपाने वाली बात थोड़ी है, अब सरकार थोड़ी छुपा पाएगी। जो भी विपक्ष वहाँ पूछेगा उसका जवाब सरकार देगी और विपक्ष का जो रवैया है वो सत्ता से बाहर है, इसलिए वो तो अपनी गतिविधियां चलाते रहेंगे, उन्हें कौन रोक सकता है, प्रजातंत्र है, उन्हें वो करने दीजिए जो करते हैं। उधर देश भर में भारत और इंडिया के नाम को लेकर छिड़ी बहस के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव किशोरीलाल ने प्रधानमंत्री मोदी को 9 साल पहले किए वायदे की याद दिलाई। CPS किशोरीलाल ने कहा कि सरकार नाम के चक्कर में लोगों को उलझाने का काम कर रही है, आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आम जनता को रोजगार चाहिए और महंगाई से राहत चाहिए। अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो हिंदुस्तान भी कहा जाता है, भारत और इंडिया एक ही चीज़ है, ये तो उलझाने वाली बात नहीं है। भारत हिंदी में बोलते हैं, इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदुस्तान हमारे दूसरा भाषा में बोलते हैं, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये तो जैसे मर्जी उलझा लो इसे, इसका कोई आम जनता को क्या इसका फर्क है। आम जनता को चाहिए रोजगार, चाहिए लोगों को, युवाओं को रोजगार चाहिए। केंद्र सरकार उस पर कदम करे, जैसे 9 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने वायदे किए हैं 2 करोड़ बच्चों को नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, तो वायदे पूरे करना चाहिए, ये उलझाने से क्या बनेगा। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।